हार कुछ सिखाती है कि हार कुछ सिखाती है, खुद को खुद से आईना दिखाती है, कौन है अपना कौन पराया, ये बात भी एक हार के बाद समझ आती है। ठीक है कि तुझे और मुझे मौत अलग रख सकती है, ये जिंदगियों की औकात नहीं। कि तुझे और मुझे मौत अलग रख सकती है, ये जिंदगियों की औकात नहीं। मैं उग जाऊं वो सूरज नहीं, मैं ढलने वाली रात नहीं। कि तुझे और मुझे मौत अलग रख सकती है, ये जिंदगियों की औकात नहीं। मैं उग जाऊं वो सूरज नहीं, मैं ढलने वाली रात नहीं। हाँ माना तारे गर्दिश में हैं, बेशक मेरी कोई औकात नहीं। एक दिन तुझको पा लूंगा, अगर पाना पाया तो मैं जाके नहीं। कि आज लिख रहा हूँ ऐसा कि लोग बुरा मान जाएंगे, समझेंगे मेरी बात को, मेरी बात जान जाएंगे। आज मुद्दा खास नहीं पर बहुत खास है, हर मेहनती नौजवान के आसपास है। नारी उत्पीड़न, दहेज, बलात्कार गलत है, हम भी आपके साथ हैं। ये मर्द गादे के टाइटल हमें दर्द नहीं हुआ क्या? हम में भी तो हाड़ मास है। कि सबने रखे अपने अपने दर्द, हमें मर्द कह के समझ दिया। कि सबने रखे अपने अपने दर्द, हमें मर्द कह के समेट दिया। जो हक था हमारा वो भी नारी शक्ति को भेज दिया। कि दहेज मांगना गलत है, ये सबने बोल दिया, सरकारी ही चाहिए, ये गलत नहीं, उसका क्या? कि दहेज मांगना गलत है, ये सबने बोल दिया, सरकारी ही चाहिए, ये भी तो गलत है, इसका क्या? हमाना दहेज के चक्कर में लड़कियां जली हैं, सबने बोल दिया। एक शख्स दहेज के झूठे केस में सालों जेल में काट के आया, उसका क्या? हुए हैं बलात्कार, गलत हुआ, सबने बोला, बोलना भी चाहिए। टीआरपी के लिए मुझे छेड़ रहा था, तुमने किसी की जिंदगी खराब कर दी, उसका क्या? कि हर जगह लड़का गलत हो ये जरूरी नहीं, हर बार लड़की का गलत होना मजबूरी नहीं। कि हर जगह लड़का गलत हो ये जरूरी नहीं, हर बार लड़की का गलत होना ये मजबूरी नहीं। आजकल तो गलत शौक से होते हैं, सारे गलत काम जूते की नोक पे होते हैं। कि फंसेंगी तो आंसू भाके अबला कह के बच जाएंगी, निकल के मौकाए वारदात से थोड़ा दूर जाके बेसर मोसी हंस जाएंगी। कि लड़का कैसे भाए आंसू, कैसे खुद को अबला बताएगा, तुमने दे दिया ना उसको मर्द का टाइटल और कह दिया है तू साले आंसू नहीं भाएगा। कि वो रोता नहीं है तो सब गलती उसकी मान लेते हैं, यही रेपिस्ट है, यही लड़कीबाज है, उसको नया नाम देते हैं। किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी गलती किसकी है, लड़की ने कहा है तो यही गलत होगा, ये लड़का है जनाब, दुनिया की सारी गलतियों का बेलब इसी के सर होगा। कि अबला तो नारी है, मर्द तो स्ट्रांग लगता है, अबला के साथ गलत होता है, स्ट्रांग गलत कर सकता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसने इग्नोर कर एक मेहनती नौजवान की मेहनत अपनी छोरी सरकारी के साथ ब्याही है, वही सरकारी शख्स रोज दारू पी के उसकी छोरी की रोज करता पिटाई है। ये फैक्ट है, आप कभी भी सर्च करके देख लेना कि अगर कोई किसी को इग्नोर करके अपनी लड़की सरकारी के साथ ब्याह रहा है ना, तो कभी खुशी नहीं है। कभी भी अपने रिलेशन में सर्च कर लेना कि जिसने इग्नोर कर एक मेहनती नौजवान की मेहनत छोरी सरकारी के साथ ब्याही है, वही सरकारी शख्स दारू पी के उसकी छोरी की रोज करता है पिटाई है। लेके दहेज की आड़ में जितने भी केस आए हैं उसमें से 95% केस खुद कोर्ट ने गलत बताए हैं। बलात्कार की केस अखबारों में आई है, लड़के के उत्पीड़न की बात सबने छुपाई है। कि चंद लड़कियों के चक्कर में ये सब लड़कियां अपना सम्मान खो रही हैं, जो हैं अबला वो इक्वलिटी में फंस गई, और इक्वलिटी की जो बात करती हैं वही अबला बन के रोई हैं। बस करो अब थोड़ी सी टीआरपी में अपना वजूद खोदोगे, जो है इस दिल में सम्मान कहीं उसमें नफरत का बीज बोदोगे। कि मैं नहीं कहता कि लड़कियों के साथ गलत नहीं होता, होता है उसको रोको। कि मैं नहीं कहता कि लड़कियों के साथ गलत नहीं होता, होता है उसको रोको। जो लड़का नर बच्ची है उसको बड़ी सड़क पे ठोको, और जो नियम लड़के पे लागू होते हैं वो लड़की पे भी लागू होते हैं। अगर किसी मैटर में लड़का इन्वॉल्व है ना, तो पहले बात को समझो, कुत्ते की तरह मत भौंको।